मेरा नाम दिलीप सिंह जोधा है जी। मैं ओके प्लस एग्जोटिका का अध्यक्ष हूँ जी। आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं कि आशीष सिंह सुरपुरा जो हमारे साथ में हर समय सुख दुख में हमारे काम आते हैं, उनको टिकट देने से वंचित कर दिया है बीजेपी ने, और किसी दूसरे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एमपी हैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उनको झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उतारा गया है। ये हमारे साथ में नाइंसाफी है। हम चाहते हैं कि जो हम वोटर हैं हमारे साथ में इंसाफ होना चाहिए, और जो समाज सेवक हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चलते हैं उन्हें वंचित नहीं किया जाए। आगे बात करना चाहेंगे। अर्चल सुसान सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह जी शामपुरा, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने झोटवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में विधानसभा 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है और उनका विरोध हो रहा है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्तमान में एमपी हैं और उन्होंने दो बार चुनाव यहाँ से जीता है, फिर उनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप इससे हम सबको बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूँ कि अंसल सुसान सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एक सोसाइटी नहीं है, एक ये नगर निगम है जो 900 बीघा में बसा हुआ है और 6,500 इसके अंदर प्लॉट हैं और लगभग 15,000 के लगभग इसके अंदर वोटर्स हैं। हमने आज तक 2018 से मैं अध्यक्ष हूँ और दोबारा भी निर्विरोध अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमने कभी राज्यवर्धन सिंह को टाउनशिप में या आसपास या किसी भी कॉलोनी के अंदर हमने उनके दर्शन नहीं किए। और मैंने ही नहीं, पूरी टाउनशिप में जितने भी लोग हैं किसी ने आज तक उनसे ना तो मिलने का मौका मिला ना, शायद मेरे हिसाब से झोटवाड़ा की नहीं, ये जयपुर की और ये राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। और राज्यवर्धन सिंह जी को तो ये भी पता नहीं होगा कि सुसान सिटी मेरे क्षेत्र में है या नहीं। और मैं आपको सही बताऊं, आप खुद जाकर के राज्यवर्धन सिंह जी का इंटरव्यू ले लीजिए, उनको ये पूछिए कि आपकी विधानसभा में कितनी पंचायतें हैं, कितने नगर निगम हैं, कितने जोबनेर। एक दिन तो वो खुद बोल रहे थे कि जोबनेर, किसी को पूछ रहे थे कि झोटवाड़ा में है क्या, जिस क्योंकि ये क्या है, आर्मी से रिटायर होकर के आए, मोदी जी की हवा थी, इनको चुनाव लड़ा दिया, लोगों ने पूरा विश्वास किया और इनको भारी मतों से जिताया, उसमें हम सब शामिल हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जब कोई आदमी बगैर मेहनत कहीं सीटी पे चढ़ जाता है तो उसको ज़मीनी जो हकीकत होती है, ज़मीन से जुड़ाव होता है, वो समझ में नहीं आता, और ऐसा ही शायद इनके साथ हुआ। इसलिए इनको हाईकमान ने ये बात सोच करके कि दो बार जीत लिए, इस हिसाब से झोटवाड़ा से चुनाव के लिए इनको उतारा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ इनकी यहाँ पर, या तो हाईकमान से हमारा निवेदन है कि इनको चेंज किया जाए, नहीं किया जाता है तो ये दुर्भाग्य होगा बीजेपी का और इनकी जामनी जब्त होगी, क्योंकि सारे के सारे संगठन, सारी की सारी कॉलोनियाँ सब इनके विरोध में हैं और वो विरोध वाजिब भी है। जिस इंसान को 10 साल हो गए, 9 साल हो गए यहाँ पर बने हुए और उस इंसान ने कभी आकर के किसी को दर्शन ही नहीं दिए, सेवा तो दूर की बात है, उस इंसान के साथ क्यों लगेगा? आजकल सब वोटर समझदार हो गए, किसी पार्टी पद के गुलाम नहीं है, वो जो जनसेवक है उसके साथ हैं। और आज के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगातार पिछले 14 साल के अंदर अगर किसी ने यहाँ पर संघर्ष किया है और जनता के बीच रहा है और गरीबों की मदद की है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो गायों की लंबी बीमारी हो, चाहे एनी टाइम, चाहे वो सुरपुरा पेंशन योजना हो, तो वो हर घर घर से जा करके आप पता करोगे, छोटे से छोटे बच्चे से पता करोगे, तो हर के दिल पे नाम है आशीष सिंह जी सुरपुरा। तो ऐसा योद्धा, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर उनको बीजेपी से टिकट मिलती है तो वो भारी बहुमत से राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में से ये वो विधानसभा क्षेत्र होगा जिसमें इतिहास बनेगा। तो इस ये कहीं ना कहीं पार्टी और कुछ नेताओं की चालबाजी के कारण एक जनसेवक को साइडलाइन किया गया है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोगों के मन में आशीष सिंह जी का प्यार प्रेम इतना बढ़ा हुआ है और अब चुनाव सब जो लोगों की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है क्षेत्र की, वो आशीष सिंह जी को बोल दिया कि आप हमारे सेवक हैं और आप निर्विरोध चुनाव लड़िए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस झोटवाड़ा विधानसभा से आशीष सिंह जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, ये आपके सामने मैं कह रहा हूँ। और जीतने के बाद अपन फिर भी मिलेंगे। और रही बात दूसरी कि अभी अपने कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि 5 साल से हमने जब कांग्रेस के यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं,
उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के भी कैबिनेट मंत्री रहे थे, लेकिन यहाँ सुशांत सिटी और किसी भी कॉलोनी के अंदर, सब कॉलोनियों के यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं, हमने सबने मीटिंग बुलाई है, आप किसी को भी पूछिए अगर एक रुपये का काम किसी टाउनशिप में हुआ हो तो आप मेरे को यहाँ पर बता सकते हैं कि राजपाल जी पहले थे उन्होंने एक रुपये का काम नहीं कराया, लालचंद जी थे उन्होंने नहीं करवाया, और अब ऐसे कैंडिडेट को फिर उतार दिया जो 10 साल से हमारे, अगर इनको सेवा ही करनी होती तो क्यों नहीं, आप सांसद थे ना 9 साल, करते आप, ये क्षेत्र भी आपके एरिया में है, और जो वर्तमान मंत्री हैं कांग्रेस के उनको भी ये पता होना चाहिए कभी आज तक काम नहीं हुआ। आप बाईपास से लेकर के कालवाड़ तक रोडों की हालत देखिए, कॉलोनियों की रोडों की हालत देखिए, इतनी बुरी हालत है कि मतलब लोगों का चलना, बारिश के टाइम पर तो चल भी नहीं सकते, और सिरसी रोड पे देख लिए, कहीं भी देख लिए, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सब क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है, इसमें किसी की ना तो सूद ली जा रही है। हाँ, इन नेताओं के जो करीबी हैं, मैं कहूँ तो जो चमचे हैं, उनका काम पूरा होता है, चाहे वो घर का हो, चाहे उनकी कॉलोनियों का हो, जो भी हो, तो कहीं ना कहीं जो भी मंत्री बनता है, अभी तक तो परिपाटी ये आई है कि वो अपने आदमियों का काम करवाता है, अपने जो मिलने वाले हैं निजी हैं उनके काम करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई है वो ये हुई है कि इन दोनों ही राज्यों के अंदर भूमाफिया इतने पनपे हैं, नदी नालों पर कब्जे हो रहे हैं, सभी ऐसी लैंड जगह जिनके ऊपर ज़बरदस्ती अतिक्रमण, ये सब फील्डिंग इनकी सजाई हुई है, ये सेवा तो कर नहीं रहे और इस क्षेत्र का सत्यानाश करने में इन्होंने बाकी नहीं छोड़ी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और ये आपको बता रहा हूँ, और भी हम सब खड़े हैं, ये भी आपको अपनी अपनी राय रखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मीटिंग का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि 14 तारीख को आशु सिंह जी की जो उनके समर्थन में हम कार्यालय के ऊपर जाएंगे उसके उपलक्ष्य में हमने रणनीति बनाई है, और आप देखना 14 तारीख को एक आपको पूरे जयपुर और राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक चीज़ दिखाई देगी, और लोगों को लगेगा और मोदी तक संदेश जाएगा कि वास्तव में एक जनसेवक को हमने दरकिनार किया है, तो कहीं पर सोचने पर मजबूर होंगे, नहीं भी होंगे तो हमारा